Hello friends, welcome to my channel Make Law Easy. Today we are going to discuss about powers of कर्ता. तो चलिए इस टॉपिक को हम थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं. तो सबसे पहली जो पावर होती है कर्ता की होती है पावर ऑफ मैनेजमेंट. इसका मतलब होता है कि जो भी आपके फैमिली अफेयर्स होती हैं, पावर जो भी आपके कर्ता होता है उसके पास में एब्सोल्यूट पावर होती है. जो भी फैमिली ये जो अफेयर्स होते हैं या फैमिली प्रॉपर्टी जो होती है या बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई भी मैटर है उसको मैनेज करने की. और ये सारे मैनेजमेंट वो किसके लिए करता है? फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेट. मतलब जो प्रॉपर्टी है उसके बेनिफिट के लिए, जॉइंट फैमिली एस्टेट जो है उसके बेनिफिट के लिए वो मैनेजमेंट वाली पावर को एक्सरसाइज करता है. इसी जो पावर है उसको एक्सरसाइज करते हुए कोई भी जो आपका मेंबर है वो उसकी मैनेजमेंट को क्वेश्चन नहीं कर सकता है. नेक्स्ट इज पावर ओवर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इसका मतलब होता है जो कर्ता जो होता है वो उसकी उसके पास में एक्सटेंसिव पावर होती है टू कंट्रोल, ठीक है, टू हैव कंट्रोल ओवर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द जॉइंट फैमिली. जो जॉइंट फैमिली के जो भी जितने भी इनकम या एक्सपेंडिचर होते हैं उसके ऊपर कंट्रोल करने की पावर होती है. तो वो भी जो भी आपका जॉइंट फैमिली की जो भी प्रॉपर्टी होती है या जो भी इनकम होती है वो उसको कहाँ पर किस चीज़ में आपका एक्सपेंड करता है? फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली. फैमिली के जो मेम्बर्स होते हैं उनके बेनिफिट के लिए उन्हें उसे इन्वेस्ट करता है या स्पेंड करता है, जैसे कि उनकी मेंटेनेंस के लिए, एजुकेशन के लिए, मैरिज एक्सेट्रा के लिए. नेक्स्ट है पावर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. तो जो आपका ये कर्ता होता है उसके पास में आपका किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की पावर होती है ऑन द बिहाफ ऑफ हिज जॉइंट फैमिली. नेक्स्ट पॉइंट इज पावर टू रेफर टू आर्बिट्रेशन. इसका मतलब है कि अगर मान लो कोई भी आपका जो फैमिली डिस्प्यूट है, जॉइंट फैमिली का कोई भी अगर डिस्प्यूट है, ठीक है ना, तो कर्ता जो होता है उसके पास ये पावर होती है कि वो इस डिस्प्यूट के लिए किसी आर्बिट्रेटर को हायर कर सके, ठीक है ना, आर्बिट्रेटर को हायर कर सके या हम बात आर्बिट्रेटर को हायर कर सके फॉर दी आर्बिट्रेशन, मतलब मीडिएशन के लिए. इसका मतलब है कि ये जो आर्बिट्रेटर होता है एक तरीके से मीडिएटर की तरह काम करता है, जो कि सारे पहलुओं को, सारे जो भी पॉइंट्स हैं उनको ध्यान मतलब उनको जज करता है और उसके बाद में अपना डिसीजन देता है. और ये जो भी डिसीजन होगा जिसे हम अवार्ड कहते हैं वो आपका सारे मेंबर्स पे बाइंडिंग होता है. नाउ पावर टू एंटर इनटू कॉम्प्रोमाइज. इसका मतलब है कि अगर मान लो कोई भी डिस्प्यूट होता है फैमिली प्रॉपर्टी या उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है ना, या कोई भी आपका सूट पेंडिंग है जॉइंट फैमिली के ऊपर, कोई भी सूट पेंडिंग है, ठीक है, या फिर आपका फैमिली डेब्ट्स जो हैं, ठीक है ना, उनसे रिलेटेड अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ है तो आपका जो कर्ता हो जो होता है उसके पास में पावर होती है कॉम्प्रोमाइज़ में एंटर करने के लिए, ताकि वो कॉम्प्रोमाइज़ वाली जो भी कॉम्प्रोमाइज़ वो कर रहा है वो किसके लिए होना चाहिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ द जॉइंट फैमिली स्टेट के लिए होना चाहिए. नाउ पावर टू गिव डिस्चार्ज. द कर्ता हैज़ पावर टू गिव अ वैलिड डिस्चार्ज. कर्ता जो होता है उसके पास में एक पावर होती है वैलिड डिस्चार्ज देने के लिए, ठीक है ना, टू द डेप्ट ड्यू टू जॉइंट फैमिली. अगर मान लो जॉइंट फैमिली जो है उसके ऊपर कोई भी डेप्ट है, मतलब कह सकते हैं कोई भी कर्ज वगैरह अगर उसके पास में है तो वो क्या कर सकता है? वैलिड डिस्चार्ज दे सकता है. वैन वन ऑफ द फैमिली वन ऑफ द मेम्बर ऑफ द जॉइंट फैमिली इज अ माइनर, ठीक है ना, ही कैन नॉट क्लेम द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट. अगर मान लो कोई भी मेंबर जो है जॉइंट फैमिली का वो आपका माइनर है, ठीक है ना, तो वो जो है वो आपका सेक्शन 7 के जो है लिमिटेशन एक्ट का उसके अंडर कोई भी आपका बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकता है. नाउ नेक्स्ट पावर इज पावर टू एक्नॉलेज डेप्ट. द कर्ता हैज पावर टू एक्नॉलेज अ डेप्ट और मेक अ पार्ट पेमेंट ऑफ इट so as to extend the period of limitation, but he cannot execute a fresh promissory note or a bond so as to revive a time barred debt. इसका मतलब क्या है कि आपका जो कर्ता जो है उसके पास में पावर होती है डेप्ट को एक्नॉलेज करने की. किसके ज़रिए? वो उसके लिए पार्ट पेमेंट भी कर सकता है. देखिए वो पार्ट पेमेंट कर देगा तो एक तरीके से जो पेमेंट है उसका टाइम अपना एक्सटेंड कर देगा कि भाई ठीक है कुछ पेमेंट मैंने अभी कर दी, कुछ पेमेंट मैं बात कर दूंगा. और ये डेप्ट किसके ऊपर ड्यू है? जॉइंट फैमिली के ऊपर ड्यू है, ठीक है ना. पर जो कर्ता जो है वो उसके पास में ये पावर नहीं होती है कि वो एक फ्रेश प्रॉमिसरी नोट वगैरह या बॉन्ड बना ले, ठीक है ना, किस चीज़ के लिए? फॉर अ टाइम बार्ड डेप. टाइम बार्ड डेप मतलब जिसका ऐसा डेप जिसका टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है. नाउ नेक्स्ट इज पावर टू रिप्रेजेंट इन सूट्स. मतलब अगर मान लो कोई भी सूट के कोर्ट वगैरह में पेंडिंग है तो उस केस में आपके पास कर्ता जो होता है उसके पास पावर होती है रिप्रेजेंट करने की किसको? अपनी जॉइंट फैमिली को इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट. नाउ नेक्स्ट इज आपका पावर ऑफ एलिनेशन ऑफ
ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। इसका मतलब है जो कर्ता जो होता है उसके पास में एलिनेशन की पावर भी होती है, वो जॉइंट फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उसको एलिनेट कर सकता है। नो बडी इन द फैमिली हैज़ द पावर टू एलिनेट जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, हाउएवर कर्ता हैज़ पावर ऑफ एलिनेट अंडर थ्री सर्कमटेंसेज। वैसे तो जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है उसको कोई भी एलिनेट कर नहीं कर सकता है, चाहे वो कर्ता ही है, बट जो कर्ता है ना वो आपका तीन सर्कमटेंसेज के अंडर, मतलब अगर ये तीन कंडीशंस होती हैं तो उसके अंडर वो आपका जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है उसको एलिनेट कर सकता है। एलिनेट का मतलब है उसे ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है ना। तो ये तीन सर्कमटेंसेस कौन कौन से हैं आपका, लीगल नेसेसिटी, बेनिफिट्स ऑफ स्टेट एंड इंडिस्पेंसिबल ड्यूटीज़। इसका मतलब है अगर लीगल नेसेसिटी वाली को कंडीशन अराइज करती है तो उस केस में आपका जो करता है वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकता है, ठीक है। बेनिफिट ऑफ स्टेट मतलब मान लो कोई अगर आपका मतलब प्रॉपर्टी को एलिनेट कर रहा है, मतलब ट्रांसफ़र के ज़रिए अगर मतलब उसका जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है उसमें उसके जो स्टेट है मतलब उस प्रॉपर्टी में आपका बेनिफिट अराइज हो सकता है, तो उस केस में भी आपका कर्ता जो है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकता है। और तीसरा है आपका इनडिस्पेंसिबल ड्यूटीज़, मतलब ऐसी ड्यूटीज़ जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जैसे बच्चों की मैरिज है, उनकी एजुकेशन है, ठीक है ना। अगर इन इन सारी चीज़ों के लिए अगर उसे एलिनेट करने की ज़रूरत पड़ रही है तो भी वो आपका एलिनेट कर सकता है। नेक्स्ट इज़ पावर टू कंट्रोल डेब्ट फॉर फैमिली पर्पजेज, मतलब जो आपके पावर टू कंट्रैक्ट डेब्ट्स, ठीक है ना, कर सकता है वो आपका फैमिली पर्पजेज़ के लिए। जैसे कि आप पता करता कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इनकरिंग डेब्ट्स फॉर फैमिली पर्पजेज एंड फैमिली बिजनेस विच विल बाइंड द अदर को पार्टनर्स टू द एक्सटेंट ओनली ऑफ द इन द ऑफ दियर शेयर इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है फैमिली पर्पज़ के लिए, जैसे कि आपका कोई भी फैमिली बिजनेस है, ठीक है ना, फैमिली बिजनेस वगैरह, और ये जो भी आपका वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो आपका सब पे बाइंडिंग होगा, सारे को पार्टनर पे बाइंडिंग होगा, बट किस एक्सटेंट तक जितना उनका शेयर है उस को पार्टनर प्रॉपर्टी पे, या हम कह सकते हैं जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी पे जितना भी उनका शेयर है वो उसी लिमिट तक वो उस पर उन लोगों पर बाइंडिंग होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारी पावर ऑफ कर्ता जो है वो हमने कोशिश करी थोड़ा शॉर्ट में समझने की, तो अब इस टॉपिक को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप मेरे जो भी लेटेस्ट मैं वीडियो डालूँ वो आपको मिल जाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।